हेलो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपने किसी फोटो के बैकग्राउंड को अगर आप चेंज करना चाहते हैं विदाउट एप्लीकेशन के, तो दोस्तों वो आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक बार आपका क्रोम ब्राउजर या गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों आपको डालना है बीजी रिमूव, ठीक है। ये एक वेबसाइट है दोस्तों, इसमें आप एक ही क्लिक में अपने किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक वेबसाइट का लिंक दिखेगा ऊपर, दोस्तों वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ दोस्तों आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने आपकी गैलरी शो हो जाएगी। यहाँ से आप जिस फोटो का आपको बैकग्राउंड चेंज करना है दोस्तों, उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगी, उसके बाद देख सकते हो ये बैकग्राउंड इसका चेंज हो चुका है एक ही क्लिक में बिना किसी एप्लीकेशन। अगर आप दोस्तों इस पर एडिट करना चाहते हो तो आपको एडिट पर क्लिक करना है, और यहाँ दोस्तों आप जिस बैकग्राउंड में इसको लेना चाहते हो दोस्तों, वो बैकग्राउंड इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो आप अलग अलग बैकग्राउंड यहाँ से इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। आपको इस तरह से रखना है या इरेजर में रखना है, या आपको इसमें वाइट बैकग्राउंड देना है तो आप ये भी दे सकते हो। अगर दोस्तों आप अपनी तरफ से कोई बैकग्राउंड इसमें अपलोड करना चाहते हो, किसी फोटो को इसके पीछे लगाना चाहते हो, तो वो आप लगा सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको अपलोड बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। और दोस्तों उसके बाद आपको जिस फोटो को इसके पीछे बैकग्राउंड में लेकर जाना है, उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप किसी भी फोटो को इसके पीछे आप ऐड कर सकते हो। चाहो तो मैं एक और ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं इसमें एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और देखना दोस्तों ये इसके बैकग्राउंड के पीछे ऐड हो जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों आप अपनी तरह से भी किसी फ़ोटो को इसके पीछे बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हो। अगर दोस्त आपको इसे अगर डाउनलोड करना है, तो दोस्तों एक बार यहाँ से आपको जो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है, और दोस्तों ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग जिस भी बैकग्राउंड में इमेज को डाउनलोड करना चाहते हो, जो बैकग्राउंड उसमें सेलेक्ट करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और तो बिना किसी एप्लीकेशन के किसी भी फ़ोटो का आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।